नमस्कार, नजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में पेट, आंत एवं लिवर के रोगियों तथा हृदय की बाईपास सर्जरी करा चुके हृदय रोगियों को चिकित्सीय परामर्श तथा उपचार के लिए देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ जाना पड़ता है। ऐसे रोगियों की परेशानी को देखते हुए सहारनपुर में चिकित्सा सेवा के विस्तार को प्रतिबद्ध मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा मैक्स अस्पताल देहरादून ने साथ मिलकर जिला सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेट, आंत एवं लीवर तथा कार्डियक सर्जरी के परामर्श की सुविधा कराने का जिम्मा उठाया है। इस विषय में आज दिल्ली रोड स्थित मेडिकल द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मैक्स हॉस्पिटल जनपद सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में गैस्ट्रो एंड्रोलॉजी तथा कार्डियक सर्जरी के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, जिसको देखते हुए मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ने ये विशेष सेवा सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में स्थित मरीजों के लिए विशेष एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी मरीजों के लिए विशेष डॉक्टर की टीम उपस्थित रहेगी। NBDC शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, डायरेक्टर मेडिग्राम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहारनपुर। डॉक्टर साहब, आपके मन में ये बात कैसे है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, जबकि लोग देहरादून या दिल्ली इसके लिए दौड़ते हैं? अगर आप हमारा विजन डॉक्यूमेंट देखें मेडिग्राम हॉस्पिटल का, तो शुरू से मेडिग्राम हॉस्पिटल का एक विजन डॉक्यूमेंट रहा है कि हम हर विश्व स्तरीय सुविधा को कम दाम में मरीज की पहुंच के अंदर उपलब्ध कराएं, और उसी दिशा में डॉक्टर रविकांत गुप्ता जी के सहयोग से हम लोग ये करने जा रहे हैं, और ये उसी दिशा में एक कदम है। इसकी संख्या में अगर मैं ना भी जाऊं, तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का एक बड़ा कारण कई बार देखते हैं आप, उसकी इकोनॉमी भी होती है और उसकी व्यवस्था भी होती है कि व्यवस्थावश वो जा नहीं पाता, कह देता है मैं अगले महीने जाऊँगा, अभी तो टाइम नहीं है। अगर ये सुविधा उसको खर्च कम इसलिए कह रहा हूँ कि उसका ट्रैवल का खर्च बढ़ गया, और सबसे बड़ा समय बच गया उसके साथ, जिसको जाना था उसको समय बचा दिया। तो अगर वह सुविधा, वह विशेषज्ञता की जो एक परामर्श है वो यहाँ मिल पाता है, और कुछ जांचें जैसे डॉक्टर रविकांत गुप्ता ने बताई, बेसिक जांचें भी उसके यहाँ पाती है, तो आप देखेंगे उससे खर्च अपने आप ही एक तिहाई रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ खर्च का बड़ा भाग जो अस्पताल में खर्च होता है, उसके अलावा उसका समय जाया हुआ, उसका आने जाने का खर्चा हुआ, जो परिवार को काम रोकना पड़ा, वह भी एक बड़ा खर्चा होता है, उससे एक तरीके उसको निजात। जो लोग हैं वो आयुष्मान पर निर्भर रहते हैं, तो क्या आयुष्मान में भी इसका ट्रीटमेंट होगा? जो आयुष्मान योजना है, ये एक बहुत ही, जिसे मैं कहूँ, एक दूरदर्शिता भरी योजना है। अगर आप आज की तारीख में देखें तो लगभग 20 करोड़ लोग पूरे देश में, या 20 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा लोग पूरे देश में आयुष्मान से आच्छादित हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हम लोग पहले से ही प्रतिबद्ध हैं, और आपको मालूम है, शायद अभी आपको जानकारी हो, कि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिग्राम को पुरस्कृत किया, इसलिए कि हम लोग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मेडिग्राम आयुष्मान में कार्य करते हैं, इसलिए हम पुरस्कृत किए गए। तो इस अभी जो OPD की फैसिलिटीज़ होती हैं वो आयुष्मान से कवर नहीं होती हैं, और जो इंडोर की फैसिलिटी होती है वो कमर होती हैं। तो अगर कोई पेशेंट भर्ती होता है, हॉस्पिटल के अंदर रहता है, तो यस, वो आयुष्मान में होगा, लेकिन कई सारी ऐसी सुविधाएं जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो आयुष्मान की लिस्ट में प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं है। तो जो अलाउबल सुविधाएं जिसके विशेषज्ञ हमारे पास है, पक्का वो हम आयुष्मान से करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है, वो तो हम पहले से प्रतिबद्ध हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर रविकांत गुप्ता हूँ, मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून का मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। मुझे बड़ी खुशी है कि मेडिग्राम के साथ मैक्स हॉस्पिटल का एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बन रहा है, जिसमें हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जिसमें पेट से रिलेटेड, यानी उसमें लिवर, पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसोफेगस, पैनक्रियास, इन सारी बीमारियों का मतलब कंसल्टेशन होगा, परामर्श होगा, और उसके बाद उसमें डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपीज भी यहाँ पे होंगी। और दूसरा स्पेशलिटी है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी,
जिसमें हार्ट की सर्जरी होती है, डॉक्टर रवि कुमार सिंह उस चीज़ के लिए आया करेंगे। ये फैसिलिटी एक बार हम शुरू करेंगे जिसमें 15 दिन में एक बार दोनों स्पेशलिस्ट आया करेंगे, और जैसे जैसे काम विकसित होगा उस तरीके से फिर उसकी फैसिलिटी बढ़ा भी दी जाए। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि देहरादून जैसे सिटी छोड़कर सहारनपुर में ये अपनी सुविधाएं देने का? मेरे ख्याल से ज़्यादा है ये मेडिग्राम का ख्याल था कि यहाँ पे इस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दूर नहीं है और हमारे स्पेशलिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं 15 दिन में एक बार, तो इसलिए फैसिलिटी यहाँ के लोगों को मुहैया हो जाए उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अभी भी क्या रुख साहब आपको लगता है कि इन चेकअप को लेके लोग जागरूक नहीं है और उनको कराने चाहिए? हाँ, बहुत जागरूकता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि लेटरिन में ब्लड जा रहा है, हर आदमी यही सोचता है कि पाइल्स की वजह से है बिना उसकी जाँच किए। आपको सरप्राइज होगा जान के कि कम से कम 10% लोगों को ऊपर कैंसर मिलता है। आप 100 आदमी को अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, लेटरिन में ब्लड जा रहा है, उनमें से मान के चलिए 10 आदमी को कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम पाइल्स समझ के डिले किए जाते हैं, और जब 3-4-6 महीने साल भर के बाद में उसका पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका है। तो सही समय पे चेकअप करा लीजिए तो इलाज संभव है। बिल्कुल 100% संभव है।